तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसी निर्मला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पितृपक्ष 2024 कब से है और उसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले पितृपक्ष में ये तीन चीज़ें खरीदने से लगेगा त्रिदोष, अमीरों को भी हो सकता है कंगाल, तो इसलिए ऐसी चीज़ ना खरीदें जो आपके घर के लिए कष्टदायक हो। आइए जानते हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक रहने वाला है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजनों हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में नया घर, नई गाड़ी, जमीन, वस्त्र आदि की खरीदारी जैसे कार्य को वंचित माना जाता है। कहते हैं कि इसमें पितृदोष लगता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से बचना चाहिए। इसे खरीदने से पितृपक्ष जो होता है नाराज होते हैं और त्रिदोष लग जाता है। आइए जानते हैं कौन से हैं त्रिदोष। नंबर एक, कहते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का वास होता है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से धन की हानि हो सकती है, इसलिए श्राद्ध जो होते हैं इसमें नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, ये माना जाता है, ये वास्तु शास्त्र में लिखा है। नंबर दो, नमक। पितृपक्ष में नमक की खरीदारी से बचना चाहिए। कहते हैं कि इसके जो तीक्ष्ण जो होते हैं स्वाद के चलते इसमें श्राद्ध में नहीं खरीदनी चाहिए, स्वाद वाली चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर तीन, सरसों का तेल। न्याय देव शनि का तेल चढ़ाया जाता है और शनि की दृष्टि बहुत ही त्रिशरण मानी जाती है, इसलिए पितृपक्ष में सरसों का तेल भी घर लाने से बचना चाहिए। सब काम पहले ही करने चाहिए श्राद्ध से। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में ये तीन चीज़ खरीदने से त्रिदोष लगता है, लेकिन इनका दान करना वंचित नहीं है। आप बेझिझक इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, इससे आपके ग्रह कलेश, पितृदोष, सब जो ग्रह होती हैं वो टल जाती हैं। शास्त्रों क्या त्रिदोष ज्योतिषों के अनुसार त्रिदोष जीवन में कई समस्याओं को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक, सेहत, करियर के मोर्चे पर आपको बनाए गए काम बिगाड़ सकता है, तो इसलिए ध्यान दें।